नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एमपी के दतिया से खबर है जहां पर एक अनियंत्रित कंटेनर पुलिस थाने के अंदर घुस गए, जिससे इस हादसे में दो व्यक्ति बुरी तरीके से घायल हो गए। वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ट्रक का ड्राइवर नशे की हालत में था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। हालांकि ट्रक चालक भी बुरी तरीके से जख्मी हो गया है। ड्राइवर जो काफ़ी शराब पिए हुए था, वो तेज़ी से आया और उसने टक्कर मारी, पेड़ से टकरा के बीच से निकल गया। दो लोग घायल हैं, एक गंभीर रूप से घायल है, एक को सामान्य चोटें, उन्हें रेफर कर दिया हॉस्पिटल। ड्राइवर को भी चोटें थी तो ड्राइवर को भी रेफर कर दिया जिला अस्पताल के लिए। सर, चालक से बातचीत हो पाई है? चालक नहीं, चालक भी घायल था तो उसे भी अस्पताल भिजवा दिया और बाकी स्टाफ बैठा था, वो उसी समय चेकिंग चल रही थी तो स्टाफ भी बच गया। ड्राइवर जो काफी वहीं एमपी के डिंडोरी जिले के शहपुरा के बरगांव का मामला सामने आया है, जहां पर एक बुजुर्ग महिला के बैंक खाते से उनकी ही नातिन पैसे चुराकर खर्च कर रही थी, जिसका अंदाजा उस महिला को नहीं था। हालांकि जब इस बात की जानकारी बुजुर्ग महिला को लगी तो उसने तत्काल इसकी शिकायत डिंडोरी के एसपी से कर दी, लेकिन फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की गई है, जिससे परेशान होकर महिला जो है वो दर बदर भटकने को मजबूर है। हर रोज दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना किसी न किसी रूप में सामने आ रही है और किसी परिवार को झकझोर कर रख देती है। यही सड़क दुर्घटनाओं में अंकुश लगाने के लिए बड़वारा पुलिस लगातार क्षेत्र के चौक चौराहों में वाहन चेकिंग कर रही है और लापरवाह वाहन चालकों से नियमों का पालन करा रही है। सोमवार को पुलिस ने नुक्कड़ नाटक के जरिए एक अनोखा जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें एक युवक ने यमराज का रूप धारण कर चौक चौराहे में ग्रामीणों और राहगीरों को समझा रहा है। जो व्यक्ति यातायात नियमों का पालन नहीं करता है और बिना सुरक्षा व्यवस्था के ही वाहन चलाता है, ऐसे लोगों के ऊपर यमराज की पैनी नजर बनी रहती है। पुलिस मुख्यालय भोपाल के आदेशानुसार एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कटनी जी के मार्गदर्शन में बड़वारा पुलिस द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमने लोगों को जागरूक किया। हेलमेट लगाने, शराब पीकर वाहन ना चलाने, तीन सवारी ना चलने, सीट बेल्ट लगाने एवं ओवर स्पीड ना चलाने हेतु हमने हिदायत दी। मेरा आप सभी से अपील है कि प्लीज़ आप लोग हेलमेट लगाएं एवं आप अपनी फैमिली और अपने आप को सुरक्षित। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन पुजारी और पंडित संगठन अपनी अपनी समस्याओं को लेकर एमपी विधानसभा का घेराव करेंगे। इस घेराव में एमपी कांग्रेस मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ भी शामिल रहेंगे। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने पंडित संगठन का साथ देने के साथ प्रदेश सरकार पर पुजारियों के हित का हनन करने का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज प्रदेश का दुर्भाग्य है कि शिवराज सिंह जैसा सीएम एमपी को मिला है। शिव शर्मा जी हमारे अध्यक्ष है, वो बताएंगे जो दारुण पीड़ा इस पुजारी परिवारों की है। कल विधानसभा का घेराव पूरे मध्य प्रदेश के पुजारी और उससे जुड़े हुए लोग कर रहे हैं, जिसका हमारा ये मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ हमारा कांग्रेस का ये भी उनके सहयोग के रूप में सड़क पे कल आपको दिखेगा। तो ये धर्म के नाम पे राजनीति का शिकार करने वाले शिवराज चौहान और नरेंद्र मोदी, हम उन्हें बताना चाहते हैं। वहीं खाशरौद तहसील के गांव में लोग मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित है। गांव में नालियां नहीं है, गांव की सड़कों पर पानी जमा हो जाता है, जिससे लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। बता दें कि सड़कों पर इतना कीचड़ जमा हो जाता है कि
वाहन चलाना तो दूर, लोगों का पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया है। वहीं बारिश के मौसम में तो यहाँ के लोग अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज पा रहे। गांव में लापरवाही की हद यहाँ तक है कि जिला विभाग बिजली विभाग वालों ने तारों को भी खुला छोड़ दिया है, जिससे गांव में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बेसिकली इन सारी समस्याओं की मॉनिटरिंग है, पूरे जिले में 3,28,000 कुछ फॉर्म भरे गए। वहीं विधानसभा चुनाव के पूर्व बीजेपी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नागदा में एक रोड शो किया और जनसभा को आयोजित कर उससे संबोधित भी किया। इसी दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्हेल में भी रोड शो करें किया और उस जनसभा को संबोधित कर सकते हैं, जिसको लेकर जिला कलेक्टर पुरुषोत्तम कुमार और एसपी सचिन शर्मा की तरफ से उन्हेल से नागदा पहुंचकर चिन्हित जगहों का जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी नेता और नगर परिषद अध्यक्ष से चर्चा की। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री कई प्रकार के विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। बेसिकली इन सारी समस्याओं की मॉनिटरिंग है, पूरे जिले में 3,28,000 कुछ फॉर्म भरे गए और अपने यहाँ 3,25,000 लोगों को खाते में पैसा चला गया है, मतलब पूरे जिले में लगभग 4,000 लोग बचे हुए हैं। नागदा क्षेत्र में लगातार जो सतत निगरानी है वो रहती है और सर्विलांस भी, खासकर जो पुराने लिस्टेड अपराधी हैं उनकी चेकिंग वगैरह लगातार होती रहती है। इसमें हमारा प्रयास यही है कि जो संवेदनशील यहाँ पे हैं लगातार बैठ के होती रहें, एक जनसंवाद लोगों के साथ और ज़्यादा स्थापित किया जाए, जिससे कि एक व्यापक तौर पे जो परिवर्तन है और एक पॉजिटिव रुझान जो है और ज़्यादा सकारात्मक रवैया पुलिस के प्रति यहाँ पे हम लोग ला पाए। सर, वह पिपरिया में सांडिया रोड पर पिछले 20-25 सालों से रहने वाले गरीब परिवारों को 3 दिन के अंदर मकान खाली करने का नोटिस दिए जाने पर दुखी परिवार एसडीएम कार्यालय पहुंचा, जहां पहुंचकर एसडीएम संतोष तिवारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। जानकारी देते हुए बताया गया कि नगर पालिका जहां नोटिस दिया गया वहां 25 परिवार रहते हैं, जिनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड और दूसरी आईडी प्रूफ है। सारे पारिवारिक दस्तावेज है जो किसी सिलारी फॉर्म पिपरिया के नाम से है। आरोप भी सामने आया है कि शासन प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि पट्टे दिए जाएंगे, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही पट्टे दिए गए, ना ही किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था उनके लिए की गई। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा में मॉनसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस सीधी मामले को लेकर सदन में जमकर हंगामा किया। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष गोविंद सीधी मामले को सदन में उठाया। उन्होंने कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने बताया कि सीधी पेशाब कांड पूरे देश में मध्य प्रदेश को कलंकित करने वाला है, जिसे हमने सदन में उठाया था, लेकिन वही सरकार इस पर चर्चा करने से बच रही है। मंच पे बगल में बैठ रहे हैं, मंच शेयर कर रहे हैं, चिट्ठी दे रहे हैं विधायक प्रतिनिधि का, ऐसे किसी को भी थोड़ी दे दी जाती है। विधायक प्रतिनिधि की चिट्ठी वायरल हो रही है, मंडलम का पदाधिकारी था, उपज मंडल का उपाध्यक्ष था भाजपा का, कई गृह मंत्री के साथ फोटो वायरल हो रही है, विधानसभा अध्यक्ष जी के साथ फोटो वायरल हो रही है, सांसद के साथ, सभी भाजपा के नेताओं के साथ फोटो वायरल हो रही है। तो इस तरह से कहना, पहले अपराधी को संरक्षण दो, अपराध घटित हो जाए जब खुद के गले में पड़े तब फिर कहते कि हमसे कोई लेना देना नहीं है। आज भी तो घटना घटित हुई है विदिशा में, मुख्यमंत्री जी के साथ फोटो वायरल हो रही है। अभी वर्तमान में प्रदेश में जितने भी आपराधिक घटनाएं घटित हो रही है उसमें से ज्यादातर लोगों का संपर्क भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ है, सरकार से कहीं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत प्रदेश के 26,000 से अधिक हितग्राहियों के खाते में 583 करोड़ रुपए की अनुग्रह सहायता राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से स्थानांतरित की। इस दौरान जिले के 313 हितग्राहियों के खाते में 7,22,00,000 रुपए की राशि हस्तांतरित की गई। जिला मुख्यालय पर NIC
कक्ष में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया। इसके साथ ही जिले भर में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। वहीं उज्जैन में अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने अपने अलग अलग मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो पूरे प्रदेश की सरकारी कर्मचारी सामूहिक हड़ताल पर चले जाएंगे। दरअसल 26 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने आज तक उनकी मांगें मंजूर नहीं की। नाराज कर्मचारियों ने आज एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पूरे प्रदेश में एक साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया और प्रदर्शन किया। मोर्चा के जिला अध्यक्ष मान सिंह चौहान ने बताया कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 11 अगस्त को मध्य प्रदेश में कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर कार्यालय में तालाबंदी करेंगे। वहीं उज्जैन को एक बड़ी सौगात मिली है, जिसके चलते अब वो आधार कार्ड से निशुल्क बाबा महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। बता दें कि महापौर ने इस सुविधा का शुभारंभ किया है। इस सुविधा के लिए मंदिर का गेट नंबर 1 तय किया गया, जिससे अवंतिका द्वार के नाम से जाना जाएगा। यहां आज महापौर मुकेश टटवाल ने विधिवत पूजन अर्चन की अवंतिका द्वार का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रतिनिधि और पंडे पुजारी मौजूद रहे। पहले दिन इस सुविधा का लाभ लेने में बड़ी संख्या में शहरवासी पहुंचे, जिन्हें आधार कार्ड देखने के बाद मंदिर में प्रवेश दिया गया। वहीं कानपुर देहात में लगातार हो रही बारिश से लोगों ने की चिंताएं बढ़ गई हैं। बता दें कि बारिश के चलते यमुना और सेगुर नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है और दूसरी तरफ तटीय क्षेत्रों के गांव में ग्रामीणों के दिलों की धड़कनें भी बढ़ने लगी हैं। हालातों से निपटने को लेकर प्रशासन मुस्तैद हुआ है। बाढ़ से निपटने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। घर में भी जाता है, घर गिर भी जाते हैं, यहाँ पर हर साल की तरह है, हर साल आती है। अच्छा, कितनी परेशानियां होती हैं और क्या क्या परेशानी होती है कि यहाँ तक का समझ लो खाने के तक का कुछ नहीं आता है, मतलब सरकारी तरफ से। और यहाँ पर मेन चीज होती है कि यहाँ कि अकेले हमें कहीं पर भी जाना होता है, जैसे बाजार हाट तो नाव से जाना पड़ता है, कम से कम 1.5 किलोमीटर नाव से। अच्छा, ये नाव तुम्हारी कितने सालों से खड़ी थी? ये नाव हमारी, ये मानो कि जैसे बरसात रहता है तो ये बरसात में ये होता है कि इसका बना बनू कि इसको मतलब चालू कर देते हैं, क्योंकि दिक्कत ना मिले हम लोग, क्योंकि सरकार की तरफ से तो कोई राहत मिलती नहीं है यहाँ पर। अच्छा, सरकार की तरफ से कोई नाव की व्यवस्था है? जिला प्रशासन ने बाढ़ की पूरी तैयारी कर ली है। हमारी सभी जो है खाद्यान्न के टेंडर, भूसा और जो भी बाढ़ से संबंधित उपकरण हैं, सब हम लोगों ने एकत्र कर लिए हैं। यमुना के जल स्तर का सतत हम लोग जो है कि अनुश्रवण कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। प्रत्येक दिन सुबह और शाम कालपी के पुल से जो गंगा का हम लोग, यमुना का हम लोग जो है जल स्तर नोट कर रहे हैं। अभी जो है 11 मीटर के लगभग जो है यमुना नदी खतरे के निशान से नीचे हैं। यहाँ पे प्राय जो बाढ़ देखने की ट्रेंड आई है कि जब कोटा बैराज से जल छोड़ा जाता है तभी यहाँ बाढ़ की विषम स्थिति उत्पन्न होती है, अन्यथा प्राय सामान्य स्थिति रहती है। हम लोग पूरा सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं। वहीं मुरादाबाद के बिलारी कोतवाली क्षेत्र के गांव रायपुर निवासी 70 साल के नंदराम ने बिलारी कोतवाली में तहरीर देकर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। नंदराम का आरोप है कि गांव के एक व्यक्ति की पत्नी 1 साल पहले किसी दूसरे व्यक्ति के साथ चली गई थी। गांव के ही दबंग परिवार का शक उनके पोते पर था, जिसके चलते दबंगों ने बुजुर्ग सहित उनके पूरे परिवार को टॉर्चर किया है। आरोप ये भी है कि पीड़ित का आधा परिवार दबंगों के डर से गांव से भाग गया है और खुद बुजुर्ग पड़ोस के गांव में रहने के डर से चुप रहकर रहने को मजबूर है। कई दबंग पर सवाल उठाने से पहले सवाल बनता है कि क्षेत्र में कानून के रखवालों पर जो गांव में ही हो रही आपत्तिजनक गतिविधियों से बेखबर बने हुए हैं। अब शिकायत के लिए जाने पर कार्रवाई का आश्वासन देकर पीड़िता को घर भेज दिया गया। थाने पे हमारे ससुर कल ससुर पकड़ ले, ससुर के जयमाला डाली, बाकी चप्पलों की हार बनाकर डाला गोदी में, जो राम रात ने
तो गांव में पंगा करके बहुत मारा है, जे आग पछाई सब फोड़ दी हमारी ससुर की ने फोड़ दी। बात का है कि लड़की वो गांव में बहू ही उस बहू लड़के को ले गई, बहू को लड़की को ले गई, नहीं ले लड़के को ले गए। हाँ वो कौन लोग थे, किन लोगों ने डाली थी झूठों की माला, ये बताइए आप। बिनी लोगों ने डाली, बहू आ रहे ने लड़की पक्ष में। हाँ ऐसा क्यों करा, पुलिस केस नहीं करा? बहू बहू है, गांव की लड़की नहीं है, गांव की बहू है। अच्छा, बिने लड़के वाले बेइज्जती करने पे आना हमारे घर है। उन्होंने कार्रवाई नहीं करी? नहीं। पिचन किसलिए आए थाने? थाने रिपोर्ट देने आए था, मतलब नंदराम भगत जी के लिए, उनका पोता उसकी क्या नाम है मेघनाथ की बहू को ले गया, इनका नंदराम का पोता ले गया, मगर इन लोगों ने इस बुड्ढे को छिपते ही हैं, जब गुनाह होता है तो बुड्ढे दमपुरा गांव में छिप गए, शिव कुमार और यहाँ से पड़ता है 4 किलोमीटर 12 किलोमीटर। फिर वहां से इसको ये शिव कुमार और ये इसके परिवार वाले बुड्ढे को बुला कर लेके आए, उम्र है करीब 80 साल, और जी उसमें बुड्ढे को इन लोगों ने मारा पीटा, औरतों ने भी मारा पीटा है, और जूतों का हार डाल के पूरे गांव में घुमाया है। वहीं आगरा के मेक माई ट्रिप का मैनेजर खराब मौसम में लापता हो गए हैं, पत्नी संग हिमाचल में लापता मैनेजर एनिवर्सरी मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश गए हुए थे, जहां भारी बारिश से जगह जगह भूस्खलन का दौर जारी है, ऐसे में वहां यात्रा करने गए बड़ी संख्या में यात्री भी फंसे हुए हैं, उन्हीं में मैनेजर भी शामिल है। वहीं आगरा से शादी की सालगिरह मनाने गए दंपति अब लापता हो गए हैं, उनका 2 दिनों से कोई अता पता नहीं है, इसे लेकर परिवार के लोग भी परेशान हैं। बेटे और बहू के लापता होने से मां का बुरा हाल है, वो हर पल उनके सकुशल लौटने की राह देख रही हैं। आगरा के सैंथिया एस्टेट्स के रहने वाले कुलदीप दीक्षित हिमाचल प्रदेश में पत्नी सहित फिलहाल लापता चल रहे हैं, वे पत्नी के साथ शादी की सालगिरह पर हिमाचल घूमने गए थे। कुलदीप दीक्षित मेक माई ट्रिप कंपनी में सीनियर मैनेजर के पद पर तैनात है और गुरुग्राम में उनकी तैनाती है। वो दोनों लड़का और बहू दोनों गए थे। अच्छा, क्यों गए थे? वो उनकी शादी की सालगिरह थी दूसरी। अच्छा, तो सेलिब्रेट करने गए थे। अच्छा, कहाँ गए थे? तो अब मुझसे तो ये कहा था कि मैं इधर हिमाचल में जा रहा हूँ। अच्छा, जगह का नाम तो खैर मुझे नहीं बताया था। अच्छा, लेकिन वहाँ जाके एक दो सीन भी दिखाए थे। अच्छा, बैजनाथ के मंदिर गए, वो फोटो भी डाला था, मुझसे कहा देख लो भोले बाबा के दर्शन कर लो, चामुंडा देवी पे भी गए थे। अच्छा, लेकिन वहाँ फोन नहीं ले जाने दिया, तो वहाँ का कुछ सीन। वो दोनों ही लड़का और बहू दोनों गए थे। अच्छा, क्यों? वहीं मुरादाबाद के मूढ़ा पांडे थाना अध्यक्ष दीपक मलिक ने कोर्ट के आदेश के अनुसार दोनों गौकस गैंगस्टर अभियुक्तों की संपत्ति से 3 मोटरसाइकिलों को हिरासत में लेकर कुर्क कर दिया है। बता दें कि यह कार्रवाई मुरादाबाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई। दरअसल दोनों गैंगस्टरों के खिलाफ कई गोकशी के मुकदमे दर्ज हैं और ये आरोपी कई मामलों में जेल भी जा चुके हैं, जिनमें कोर्ट के दिशा निर्देश के मुताबिक दोनों गौकस गैंगस्टर अभियुक्तों की संपत्ति से 3 मोटरसाइकिलों को कुर्क कर थाना परिसर में खड़ा कर लिया गया है और पुलिस की तरफ से आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं भारत सरकार के उपक्रम भारतीय खाद्य निगम की तरफ से आम जनता और किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से नई पहल की गई है। अब सरकार भी खुले बाजार में गेहूं और चावल के अचानक बढ़ते दामों को नियंत्रित करने के लिए ई ऑक्शन के माध्यम से गेहूं और चावल को बेचेगी। वाराणसी मंडल के प्रबंधक ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि सरकार खुले बाजार में 2100 से 2500 रुपये क्विंटल के हिसाब से गेहूँ और 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से चावल बेचेगी। बताया गया कि कालाबाजारी हो और मुनाफा करों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ये कदम उठा रही है। 10 टन से लेकर 100 टन तक व्यापारी सरकार से गेहूं और चावल खरीद सकेंगे। कि वो है कि जो आपके यहां पर जो धान और गेहूं का प्रोक्योरमेंट होता है वो उसका एक पोर्टल है, ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल। उसमें क्या है कि जैसे किसानों ने अपना धान या गेहूं बेचा तो वो ई पॉप मशीन एक होता है यहां पे, जो कि हर सेंटर पे होगा, किसान की बायोमेट्रिक लगेगी
और तभी किसान का परचेज उस सिस्टम पे आएगा। तो ये जो स्कीम है इसमें जो जैसे कोई दूसरा व्यक्ति जिसका वो प्रॉपर्टी जिसका वो खेत नहीं है वो व्यक्ति कभी भी अपना गेहूं या धान नहीं बेच सकता है। तो एक एक इसमें जेन्युइन ऑफ परचेज जो एक्चुअल किसान है वही परचेज कर रहे हैं, वो वही किसान आ रहे हैं और अपने गेहूं धान बेच रहे हैं, ये एक सबसे पहले असर्टेन हो रहा है इस माध्यम से। तो इसको दूसरे जगह पे भी इस चीज वहीं आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने 11 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। आपकी तरफ से कहा गया कि आप पार्टी के मुख्यालय की जासूसी करवाई जा रही है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के घर की जासूसी करवाने के भी आरोप लग चुके हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर कई और सवाल खड़े किए हैं। पार्टी के बाहर दो ग्रुप सामान्य दिखने वाले लोग जो ऐसा दिख रहा है कि वो पैदल चल रहे हैं, बस इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, पार्टी में ऑफिस के अंदर ताक झांक कर रहे हैं, फिर तीन लोग उनमें से जो है पार्टी कार्यालय में घुसते हैं, चार लोग जो बाहर थे वो घूम के दोबारा पार्टी कार्यालय के सामने आते हैं और उनमें से एक आदमी रुक जाता है, दिखाते हैं वो कोई नहीं जानते, मगर जो आदमी रुक जाता है वो बाकी तीन अपने ग्रुप के अलावा जो तीन लोग अंदर घुसे हैं उनसे फिर वो निकलने के बाद बातचीत करता है। इसका मतलब ये सातों लोग किसी एक एजेंसी के लोग थे और किसी एक एजेंडा से पार्टी के ऑफिस के आसपास घूम रहे थे। तीन लोग इसके अंदर पार्टी के अंदर घुसते हैं, गार्ड हमारा इनसे कहता है कि आप रजिस्टर में एंट्री करिए, आप कौन हैं, क्या नाम है, क्या पता है, तो ये बहानाबाजी बना के यहां से निकल जाते हैं। इन लोगों की जो शक्लें मैंने आपको दिखाई सीसीटीवी कैमरा में, ये स्पोर्ट्स शूज पहने हुए हैं इन्होंने, ट्राउजर्स पहनी हुई है, पतले बारीक बाल इनके कटे हुए हैं, देखने से मेरी समझ से ये किसी सेंट्रल एजेंसी के लोग हैं। मैंने तो इनके नाम भी बताए, मैंने तो इनकी फोटोज भी दिखा रहा हूं। महिलैंड फॉर जॉब्स मामले में सीबीआई की चार्जशीट में तेजस्वी यादव आरोपी बनाए गए हैं। अब इस मामले में तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि वो उस समय नाबालिग थे और क्या कुछ तेजस्वी यादव ने कहा है आपको सुनवाएंगे। जहां तक शिक्षकों की जहां तक बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है, वो सारी चीजों को स्वयं देख रहे हैं और जो भी शिक्षक नेता है जब सदन खत्म होगा तो सबको बुला करके जो है उनसे बात की जाएगी, उनसे संवाद किया जाएगा। कितनी अच्छी पहल है कि भाई संवाद हो रहा है, एक प्रधानमंत्री है, किसान बेचारा रगड़ता रह जाए नाक रोड पर लेकिन प्रधानमंत्री के पास मिलने का समय नहीं होता। पहलवान जो महिला पहलवान है जो ओलंपिक्स देश का नाम रोशन किया, ओलंपिक्स में मेडलें जीत के लाती हैं, उनके साथ शोषण होता है, उनकी आवाज को प्रधानमंत्री नहीं सुनते हैं। लेकिन यहाँ माहौल अलग है, यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हम लोगों को विश्वास है, तो सब लोग को बुला के राय लिया जाएगा, उनकी भी राय को जानेंगे समझेंगे और नियमानुसार जो काम होगा बिहार के हित के लिए, छात्रों के भविष्य के लिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए, गुणवत्ता शिक्षा के लिए, वो हम लोग निर्णय लेंगे। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।